अब तुम बनाना पड़ेगा। ये क्या प्रिया, मैंने जरा सा डांट क्या दिया तुम तो रोने लगी। मान जाओ प्रिया। अरे बाप रे, इसकी कमर तो बहुत खूबसूरत है। अब क्या करूं, मनाना तो पड़ेगा। प्रिया, इसे भी अभी पलटना था। क्यों जीजा जी, क्या हुआ? यही सोच रहे हैं ना कि कहाँ टच करने से मैं मान जाऊंगी। मैं बताऊँ कहाँ चुना है? कहाँ चुना? लड़की को मनाने के लिए यहाँ टच करना चाहिए और उंगली से यहाँ ऐसे करना चाहिए। उसे उकसाने के लिए कमर को पकड़ना चाहिए और उसे मनाने के लिए मोड़ बनाने के लिए। वो कैसे करते हैं? वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। पल्लवी बोल रही हूँ, यहाँ पर बोल हो रही हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर आ रही हूँ, ठीक है? यस। कृष्ण प्रसाद से तुम्हें शादी करने वाली हो? हाँ, लेकिन तुम कौन? वो मेरा दुश्मन है। चल गाड़ी में बैठ। चल, छोड़ो, डाल दो इसे, ले जाओ। तुम उस लेटर का टेंशन मत लो, हम बाहर बैठकर ठंडे दिमाग से सोच। चलो भाई बाहर ही चलते हैं, यहाँ बहुत टेंशन है। तुम लोग हो कौन? मुझे किडनैप करके यहाँ पर क्यों लाए हो? बताओ कौन हो तुम लोग? ठंडा दिमाग ठंडा रखो। कहाँ तक पहुँचे तुम्हें? आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा होने वाला पति, उसे यहाँ बुलाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं। और ये कौन है? ये मेरी बेटी का होने वाला पति है। What? जीजा जी, सुनिए जीजा जी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, चलिए ना। रुको तो, रुको तो, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? Don't talk! दामाद जी, आप चुप रहिए। ससुर जी, मैंने सब सुन लिया है। ये हमारे दुश्मन की होने वाली पत्नी है ना, मैं हैंडल करता हूँ। तुम मुझे हैंडल करोगे? I said don't talk! They don't know who I am. I stuck here. If you open your mouth, they will cut my neck. Cut my neck. Cut my neck. ये क्या हुआ? लगता है नाराज हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। I'll explain everything later. ये ससुर जी कौन है जानती हो? He doesn't know English at all. आपका दामाद बहुत पढ़ा लिखा है ना, इसलिए लड़की को सब कुछ इंग्लिश में समझा रहा है। That is our power. Use it. I beg you. तुझे पता है इंग्लिश में बैग का मतलब क्या होता है? मारूंगा होता होगा। अरे नहीं पता तो मत बताना। I beg you, please. अब क्या करेगा ये? अरे चुप हो जा, तू दिमाग मत लगा। जब तक वो मिल नहीं जाता, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अंदर चलो। ससुर जी। दामाद जी, जाओ। I'll explain everything later. इसने कुछ उल्टा सुल्टा किया तो मैं संभाल लूंगा ससुर जी। यही कहानी। लेकिन वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और कोई कुछ बताने को भी तैयार नहीं है। किसी और से क्यों नहीं पूछते? तुम्हारी वो किससे? वही सुनिए सुनिए करके तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, वही। और हाँ, इतनी जल्दी वो तुम्हारे इतने करीब आ गई। प्रिया, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिया? प्रिया मतलब प्रेयसी। प्रिया, तुम्हारे बाल गुस्से में कितने लंबे हो गए हैं। बाल? प्रिया, तुम्हारी ये बालियां तुम पर कितनी अच्छी लगती हैं। बालियां? प्रिया, गुस्सा छोड़ दो तो जिंदगी में बाहर आ जाए। आओ एक गाना गाते हैं। प्रिया जीजा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रिया, बताइए क्या बात है? तुमसे एक पर्सनल बात करनी है। यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। यहाँ पर सब देख रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, आप जाकर खेत में मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो आज सस्पेंस का दी एंड। ये दोनों छुप छुप कर क्या बातें कर रहे हैं यार, देखो मार क्यों रही हो। इंतहा हो गई, देख रही हो, अब वो लड़की के लिए गाना भी गाने लगा। क्या? चुप रहो। अरे बाप रे, ये तो सुहागरात की पूरी तैयारी करके आई है। देखो देखो, अब यहाँ भूकंप आने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ निकल चलो। ए, चुप रहो। कंट्रोल। बैठिए। हे, ये क्या है? कहीं आपको काटा ना चुभ जाए इसलिए। अरे रुको रुको, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। पूछना नहीं, समझना चाहिए। पता है ना प्यार क्या होता है? नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर वालों की किसी के साथ दुश्मनी है क्या? क्यों? और अगर दुश्मनी है तो उसकी वजह क्या है? इसके लिए बुलाया था क्या? नहीं,
किसी ने बताया था ऐसे गाल छूने से लड़की को अच्छा लगता है। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा तो क्या बता दूंगी? सहलाने से क्या बता दूंगी? तो क्या करने से बताओगी? अभी बताती हूँ। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। ये क्या कर रही हो? किस करके बताओगी क्या? ठीक है, किस करो तो बता दूंगी। लगता है आज कन्हैया बनना ही पड़ेगा। अब सोच क्या रहे हो? भाई ने कमर पे हाथ रख दिया तो समझो काम हो गया। मेरे दादाजी का गांव में रुतबा था, उनकी बात कोई नहीं डाल सकता था। हर कोई अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन मेरे दादाजी ने अपने बेटों को कत्ल करना सिखाया। वो चाहते थे उन्हें कुछ आए ना आए, पर कत्ल करना आना चाहिए। मेरे दादाजी का एक दुश्मन था नागराज। दादाजी के डर से वो भाग गया था, लेकिन कुछ साल बाद वो अचानक गांव आया। तब देखना मत। बाय चाचा। बाय बेटा। स्टूडेंट्स, ये कौन है आप जानते हो? आपके सामने मारे गए उस नागराज का बेटा है ये। आप लोग सच बोलेंगे उसके बावजूद इसके पिताजी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसके पिताजी का कत्ल करने वाला आराम से बाहर घूमता रहेगा तो शायद बदले की भावना से ये क्रिमिनल बन जाए। लेकिन उसे सजा मिलेगी तो इसे खुशी मिलेगी और कानून पर इसका भरोसा बना रहेगा, ये अच्छी जिंदगी जी सकेगा। दुनिया में दूसरों को खुशी देने से बढ़कर कोई और दूसरा अच्छा काम नहीं हो सकता। सुनो एसपी, तूने अगर मुझे छुआ तो तेरी वर्दी उतरवा के रास्ते पे खड़ा कर दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर। इसीलिए उस आदमी को मारा। वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कृष्णा प्रसाद। तुम्हें अरेस्ट करने की बात पूरे शहर को पता चलनी चाहिए। एसपी, चल। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू एसपी। तू मुझे अच्छी तरह से जानता नहीं है। जिले का एसपी शंकर दादाजी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सालों से मौका ढूंढ रहा था, और नागराज के कत्ल के बाद उसे ये मौका मिल गया। गांव वालों के दिल से अपना खौफ मिटते देखकर दादाजी सहन नहीं कर पाए। बाबूजी, पिताजी, बाबूजी, पिताजी, उस एसपी को मार के मेरे पास ले आना। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस कृष्णा को भी मत छोड़ना। उसे वादा करो, वादा करो। उस लड़के के माँ बाप कोई भी नहीं है। उसकी हिफाजत करने का वादा मैंने अपने भाई से किया हुआ है। उस बेचारे को छोड़ दो प्लीज। मैंने मरते समय अपने बाबूजी से वादा किया था कि मैं उसे हर हाल में मारूंगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसे मेरे हाथों से नहीं बचा पाऊंगा। मेरी एक बात सुन लो, मैं उसे ढूंढने पाताल तक भी जा सकता हूँ, लेकिन वो एक दिन खुद मेरे पास आएगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कहीं पर भी छिपा दो मैं उसे जरूर मारूंगा। बेटा, तुझे और थोड़े दिन वहां रहना है।
जब तक शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ मत आना। हेलो चाची, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। चाचा जी घर पर हैं क्या? वो तो अभी बाहर है बेटा। चाचा जी से बात करने का बहुत मन कर रहा है। तुझे पता है ना वो कितने गुस्से वाले हैं। बात कराओ ना। ठीक है देती हूँ। सुनिए जी। हाँ। फोन। हेलो हाँ। चाचा जी। ए, ये बता तू है कहाँ? तू फोन भी नहीं उठाता। मैं एक प्रोजेक्ट में फंस गया था। शादी से बड़ा हो गया है क्या तेरा प्रोजेक्ट? तुम्हारे हाथ पैर बांध कर उस लड़की से तेरी शादी करवा दूंगा, क्या समझा? चाचा जी मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ए, 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 ये क्या प्यार वार की बात कर रहा है? पता है मुझे तू मुझे मस्का लगा रहा है। मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा और ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है चाचा जी, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। थैंक्स चाचा जी। थैंक्स किस बात के लिए? थैंक्स मेरी जितनी चिंता आप करते हैं